हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MSC मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के ऊपर MSC फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के लिए पढ़ते हैं। आज हम यूनिट थर्ड के लिए पेपर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस में यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसका बचा हुआ पार्ट कम्प्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक थ्योरम लिख रखी है। थ्योरम कहती है कि द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ बी, कि एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर दिया हुआ है जो कि एक क्लोज लीनियर सबस्पेस बी के अंदर है, एंड ए रियल बेंच स्पेस कंसिस्टिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर के अंदर वो जो ऑपरेटर हैं वो उसकी जो आइडेंटिटी है वो कंसिस्टिंग करेंगी, मतलब जो आइडेंटिटी हमें दी हुई है वो आइडेंटिटी उसके अंदर इम्प्लीमेंट होंगी। तो चलो चल करते हैं इस सवाल को। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब कभी भी हम किसी थ्योरम की शुरुआत करते हैं तो हमें जो थ्योरम में दिया हुआ होता है वो हम उसमें लिखते हैं, तो इसको प्रूव करते हैं। चलो थ्योरम में हमें दिया हुआ है, लेट A is the set of self adjoint operator. हमें self adjoint operator के बारे में दिया हुआ है, तो ये क्या है? एक self adjoint operator है किसके अंदर? Hilbert space H के अंदर, on हिल्बर्ट स्पेस H। अगर ये हिल्बर्ट स्पेस H के अंदर है तो इसके अंदर अगर कोई भी दो सब स्पेस होंगे, जैसे B के कोई दो पार्ट, हमने इसमें एक सब स्पेस माना था B, इसके दो ऑपरेटर क्या हैं? T1 और T2 हैं, जो बिलोंग करेंगे इसमें A के अंदर। अगर ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या बोलती है? T1 इक्वल टू T1 स्टार एंड T2 इक्वल टू T2 स्टार, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम कोई दो कोई भी ऑपरेटर मान लेंगे, कोई भी स्केलर्स मान लेंगे। तो हमने क्या माना कि लेट अल्फा बीटा बी एनी स्केलर्स। स्केलर्स का मतलब होता है कि कोई भी दो पार्ट्स जो इनसे रिलेटेड हों, मतलब कोई भी रियल नंबर हम मान सकते हैं। अगर अल्फा बीटा कोई दो रियल स्केलर्स हैं तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अल्फा T1 प्लस बीटा T2 स्टार लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के अंदर आता है, इसलिए। नाउ गाइस, हम इसको अब किस तरीके से लिख सकते हैं? इसी स्टार को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो T1 इक्वल टू T1 स्टार था, सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग टू, अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अल्फा स्टार T1 स्टार प्लस बीटा स्टार T2 स्टार, राइट है। अब देखिए T1 इक्वल टू T1 स्टार सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से, सो दैट मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? अल्फा T1 स्टार लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? बीटा T2 स्टार लिख सकता हूँ। और क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा इक्वल टू अल्फा स्टार, बिकॉज T इक्वल टू T स्टार, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन से हमने सब लिखा है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 जैसे T इक्वल टू T स्टार था, सिमिलरली अगर T1 इक्वल टू T1 स्टार होगा तो T1 स्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा T1 लिख सकता हूँ प्लस बीटा T2 लिख सकता हूँ। और ये पूरा फंक्शन किस चीज़ के बराबर में था? अल्फा T1 प्लस बीटा T2 की होल स्टार के इक्वल में था, राइट है। ये जो पूरा फंक्शन है ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए सबसेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, हमारा जो सबसेट था उसके अंदर ये पूरा फंक्शन बिलोंग कर रहा है। नाउ तो अब ये ए जो है ये किस चीज के अंदर बिलोंग कर रहा, सॉरी अल्फा और बीटा ए के अंदर बिलोंग कर रहे थे, अगर ये ए के अंदर बिलोंग कर रहे तो ये क्या हो गया? अपने आप में एक लीनियर स्पेस हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि T1 T2 जो है वो क्या है? लीनियर स्पेस है, किसके अंदर? सबसेट ए के अंदर। तो ए क्या हो गया? अपने आप में एक लीनियर सबस्पेस हो गया, ए भी ए लीनियर स्पेस, राइट। तो यहां से अकॉर्डिंग टू लीनियर सबस्पेस, लीनियर स्पेस की बात हो रही थी, हमने लीनियर स्पेस यहाँ से ए को क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। नाउ
लेट टी एन हमने क्या माना, कोई एक अदर सीक्वेंस मान ली या अदर स्केलर्स मान लिया, सीक्वेंस ऑन ए, मतलब एक सेट था अल्फाबेट है उसमें कोई दो स्केलर्स थे, तो उसी ए के अंदर हमने टी एन कोई अदर स्केलर्स मान लिया, इसको हम कह सकते हैं सच दैट टी एन जो है वो बिलोंग करेगा टी के अंदर, क्यों, क्योंकि टी क्या है बिलोंग करता है ए में, इसका पार्ट है ये, इसको मैं कह सकता हूँ टी माइनस टी एन माइनस टी, और ये किस में बिलोंग करेगा जीरो में, लाइक दैट इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, राइट है। इसको मैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, टी एन माइनस टी स्टार इक्वल टू टी एन माइनस टी, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन उसको लिख सकता हूँ। नाउ इस पूरे फंक्शन में क्या लिख सकता हूँ, टी एन टी स्टार टी का मोड इक्वल टू, अब देखिए इस ये जो वाला जो फंक्शन है इसमें मैं इसको इसमें टी एन जोड़ दूं और घटा दूं ताकि मेरे पास ये वाला फंक्शन आ जाए, तो टी स्टार माइनस टी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टी स्टार माइनस टी एन प्लस टी एन माइनस टी, तो सेलेक्ट किया मैंने, एक बार मैंने टी एन को जोड़ा एक बार मैंने टी एन को घटाया है, ये पूरा फंक्शन इसको मैं कह ले सकता हूँ टी स्टार माइनस टी एन का मोड प्लस टी एन माइनस टी का मोड, अलग अलग मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो फंक्शन था पहले वाला, इसमें मैंने अगेन टी एन स्टार को जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस और मानी जिसका नाम क्या था, टी एन स्टार था, टी स्टार माइनस टी एन स्टार प्लस टी एन स्टार माइनस टी एन का मोड प्लस मोड ऑफ टी एन माइनस टी का मोड, राइट है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इस पहले मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस के अंदर टी एन जोड़ा और घटाया, हमें जो मिला उसमें पहली बार सीक्वेंस के अंदर मैंने टी एन स्टार जोड़ा और घटाया, अब यहाँ से मेरे पास एक फंक्शन बनेगा मोड ऑफ टी स्टार माइनस टी एन स्टार प्लस टी एन स्टार माइनस टी एन का मोड प्लस टी एन माइनस टी, जैसा था वैसा का वैसा मैंने इसको लिख दिया। देखो टी एन स्टार इक्वल टू क्या है, टी एन है, राइट है, और टी एन जो है वो बिलोंग करता है ए के अंदर, क्योंकि टी बिलोंग कर रहा था ए के अंदर, इसलिए ये पूरा फंक्शन इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एन माइनस टी स्टार लिख सकता हूँ प्लस मोड ऑफ टी एन माइनस टी का मोड लिख सकता हूँ, राइट है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आइडेंटिटी प्रूव कर सकता हूँ क्या, कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट पे जाएं, इसमें क्या था कि टी एन माइनस टी टेंस टू जीरो था, यानी कि टी एन माइनस टी ये फंक्शन है, इसके ऊपर स्टार बात अलग है, इस पूरे फंक्शन की जगह अगर मैं ये सब लिखूं जीरो प्लस इस फंक्शन की जगह मैं क्या लिखूं जीरो का मोड, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ओके, तो इस फंक्शन को इस तरीके लिखूंगा तो मेरे पास ये क्या बचेगा जीरो, और यहाँ पे ये क्या बचेगा जीरो प्लस जीरो, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो है वो टी स्टार माइनस टी का मोड इक्वल टू क्या आएगा जीरो, ये प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे आ जाती है। नाउ टी स्टार माइनस टी इक्वल टू जीरो था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टी स्टार माइनस टी इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टी इक्वल टू टी लिख सकता हूँ, तो टी क्या हो गया अपने आप में, टी इक्वल टू टी स्टार आ गया या टी स्टार इक्वल टू टी, तो ये क्या हो गया सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो गया, और यही तो क्या करना था हमें प्रूव करना था, ओके। और टी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, तो टी क्या हो गया अपने आप में एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो गया, और यही हमें यही हमें थ्योरम के अंदर पूछा था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।